हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रिस्टन में रिंग लगाने का सही तरीका क्या है, कंपनी किस तरह से फिटमेंट देती है आपकी बाइक में। तो आप देखेंगे इस प्रिस्टन पे लिखा रहता है IN, सभी प्रिस्टन पे लिखा रहता है IN। IN का मतलब रहता है इनलेट, ये वाला पोर्शन जो रहता है वो रहता है आपके कार्बोरेटर की सप्लाई की तरफ, इसका अपोजिट जो रहेगा वो रहेगा एग्जॉस्ट की तरफ, ये है ऑयल एक्सपेंडर रिंग। तो इसमें आप देखेंगे ये जब आपस में ज्वाइन होता है, इसकी जो कट लगा रहता है वो आपस में जब ज्वाइन होता है तो उसका M बनना चाहिए, M। W बनेगा तो वो उसका उल्टा हो जाएगा, M बनना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, इसको रखेंगे एग्जॉस्ट की तरफ, M बनाएंगे, ये देखिए इस तरह M बनाएंगे इसका, और इसको रखेंगे एग्जॉस्ट की तरफ इस तरह, IN का अपोजिट रहेगा एग्जॉस्ट, और उसी तरफ रखेंगे इसका ये कट वाला पोर्शन और इसका M बनाएंगे। इसके बाद इसके ऊपर नीचे दो और रिंग लगे रहते हैं, उनका भी मैं बता देता हूँ। अभी मैंने मार्क कर दिया इसका, यहाँ ये पतले वाले रिंग रहते हैं और इनको बोलेंगे ऑयल एक्सपेंडर अपर और ऑयल एक्सपेंडर लोअर। तो ये दोनों रिंग लगते हैं, तो इसका जो ऊपर वाला रिंग लगता है ऑयल एक्सपेंडर के ऊपर वाला वो लगता है यहाँ पर, और ऑयल एक्सपेंडर के जो नीचे लगता है वो लगता है यहाँ पर। तो लगा लेते हैं रिंग को, इसको मैं लगा देता हूँ। इसके बाद दो रिंग और रहते हैं, टॉप वन बोलेंगे और टॉप टू बोलेंगे, ऊपर से पहला टॉप वन, ऊपर से दूसरा टॉप टू, इस तरह इसकी पोजीशन रहती है। तो ये मैंने नीचे वाला लगा लिया, अब यहाँ पर मैं लगाऊँगा ऑयल एक्सपेंडर की ऊपर वाला। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब मैं लगाने वाला हूँ ऊपर वाला, तो ऊपर वाले को लगाएंगे इस तरह, ये इसका रहेगा ऑयल एक्सपेंडर का अपर, ये देखिए ऑयल एक्सपेंडर लोअर अपर और ऑयल एक्सपेंडर रिंग लगा दिया है, ये आप देख सकते हैं इसकी मार्किंग कहाँ कहाँ है। ये इसके बाद लगाएंगे टॉप टू रिंग, ये ब्लैक कलर की रिंग रहती है, इस पे लिखा रहता है टॉप टू, आप देख लें ये टॉप टू लिखा हुआ है। तो इसको लगाएंगे ऊपर से दूसरे नंबर पर, और इसका ये जो कट वाला पोर्शन है इसको रखेंगे एग्जॉस्ट की तरफ, ये IN लिखा है, इसका अपोजिट जो रहेगा वो रहेगा एग्जॉस्ट, तो एग्जॉस्ट की तरफ रखेंगे इसका कट। तो इस तरह इसको लगाएंगे, ये लगा दिया है। इसके बाद जो सबसे ऊपर वाली रिंग रहेगी जिसको बोलेंगे टॉप वन, तो ये रहेगा इसका इनलेट, इनलेट की तरफ लगाएंगे इसको जहाँ से कार्बोरेटर की सप्लाई आती है। तो ये रिंग आप देख लें, इस पर लिखा हुआ है टॉप वन, इसको रखेंगे इनलेट की तरफ, तो ये वाला कट वाला पोर्शन रहेगा इनलेट की तरफ जहाँ से कार्बोरेटर सप्लाई आती है, तो इसको लगा देंगे। साथ ही में पिस्टन को कैसे लगाना है अपने ब्लॉक में वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मैंने लगा दिया, तो अब ये है आपका ब्लॉक, ये रहता है इसका हेड। हेड में आप देखेंगे कार्बोरेटर और एग्जॉस्ट की सप्लाई के लिए दो होल रहते हैं, तो इसको पहले इस तरह लगाएंगे ब्लॉक के ऊपर हेड को, और ये देखेंगे ये है कार्बोरेटर की सप्लाई का, इस पे लिखा रहता है IN, IN मतलब इनलेट, तो इसको रखेंगे कार्बोरेटर की तरफ। तो आप देख लें किस तरह से मैं इसको लगा रहा हूँ, ये देखिए इनलेट वाला पोर्शन रखेंगे कार्बोरेटर की तरफ, IN लिखा है और ये कार्बोरेटर का होल है, तो इसको इस तरह इसमें लगाएंगे। इसका एक बार आप देख लें कि किस तरह कार्बोरेटर है, उसके बाद आपको इसमें फिट करना है। तो ऑयल यूज़ करेंगे, ऑयल लगा देंगे सबसे पहले आप सिलेंडर में, ब्लॉक बोल सकते हैं, ब्लॉक में ऑयल लगा देंगे, और फिर इस तरह से सारे रिंग को अच्छी तरह से उसके अंदर कर देंगे और पिस्टन को प्रेस करेंगे तो वो आसानी से ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। और इसी तरीके की फिटमेंट देती है कंपनी, तो यही सही तरीका रहता है, इससे आपके रिंग जो हैं वो जल्दी घिसते नहीं हैं, लंबे समय तक चलते हैं। और इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये आप देखिए ये इसको अच्छी तरह रिंग को लगा देंगे, और ये देखिए पिस्टन चला गया है, ऑयल का यूज़ कर लेंगे अगर लगता है कि वो टाइट है, रिंग आप देख लें कि रिंग कोई दब ना रहा हो, क्योंकि अगर रिंग अच्छे से उसमें जाते नहीं है तो वो फिर प्रेस नहीं होंगे और ये अंदर नहीं जाएगा। तो ये प्रेस हो गया है और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर चला गया है।
तो इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं।